हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो अभी जो है ना, लास्ट रह चुके थे हमारे 10 क्वेश्चन। हम जो है 50 क्वेश्चन कर चुके थे। एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स जो है 2 जनवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम हुआ है, नवंबर 2020 का। उसके हम नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 6। 60 क्वेश्चन अभी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, एन इज इक्वल टू एम सी टू, देन NC2 क्या आएगा। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको खोलने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, M इज इक्वल टू कुछ भी मान लेता हूँ, मान लीजिए 3 मान लिया, तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3C2 क्या होता है, 3C2 3 होता है, 3 आ गया सिंपल। तो N की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ पे पुट कर दी, 3C2 क्या होता है मेरा, यहाँ पे 3 होता है। इसका मतलब क्या है, M की वैल्यू भी 3 है और N की वैल्यू भी 3 है। अब ऑप्शन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ 3 आ रहा होगा वही मेरा आंसर है। यहाँ पे देखिए 3 + 1 4C4 1 होता है, तो 3 तो नहीं आ रहा, नॉट इज इक्वल टू 3 तो कट हो गया। तो यहाँ देखिए 3 - 1 2C4 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी कट हो गया। यहाँ पे 5C4 5 होता है, तो नॉट इज इक्वल टू 3 कट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट है। 3 * 4C4 4C4 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर मेरा क्या आया, 3। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 time, ही थ्रोज ए डाइस एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। कोई मैन है, ठीक है, स्पीक्स ट्रूथ 3 out of 4, मतलब वो 3 जो है ना ट्रूथ बोलता है 4 में से। अगर 4 बार कोई भी बात बोल रहा है तो वो 3 बार जो है सच बोलता है। ही नोज ही थ्रोज ए डाई, वो एक डाई को थ्रो करता है, वो बताता है कि ये 6 आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, एक्चुअल में वो 6 आ रही है या नहीं आ रही, वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इवन, अगर वो 6 बोल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 आने की, 1/6, क्योंकि डाइस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बनी होती है डाई, डाइस जो गीटा होता है हमारा। ठीक है, तो एक एक ही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 एक बार ही है समझ गए। E2 मैं लेता हूँ कि जब वो नोट 6, जब 6 नहीं आता, ठीक है, ये तो हम ले रहे हैं जब 6 आता है तो 1/6, जब 6 नहीं आता तो कितने बच गए, 5 बच गए। वैसे भी आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, 1 में से माइनस करके टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दोगे तो 5/6 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब जो है मैं A को डिनोट कर रहा हूँ जब वो ट्रुथ बोलता है, ठीक है, जब वो ट्रुथ बोलता है, तो हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ठीक है, पहले हम E1 की निकालते हैं जब 6 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3/4, क्योंकि उसने दिया हुआ है 3 out of 4, वो जब जो है ना ट्रुथ बोलता है 3 out of 4, और प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लेता हूँ जब 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 3/4। ठीक है, तो 1/4 आ गई। अब जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे निकालते हैं, E1/A, सच बोलने की हमने निकालनी है क्योंकि एक्चुअली 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे लेते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे PE1 into PA/E1 upon PE1 PA/E1 plus PE2 ना आने की इंटू में उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे PE1 देखिए, यहाँ पे मैंने निकाला था 1/6 1/6 पुट कर दो, PA/E1 3/4 है, तो क्या आ गया 1/6 into 3/4। नीचे देखिए PE1, ये तो सेम ही है, E2 है जो, यहाँ देखिए E2 क्या है मेरा, यहाँ देखिए PE2 5/6 है, PA/E2 मैंने क्या निकाला था 1/4, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया 1/6 into 3/4 + 5/6 into 1/4, तो ऊपर क्या आ गया मेरा 3/24, और नीचे क्या आ गया मेरा 24, अगर मैंने एलसीएम लिया तो 8/24, 24 से 24 कैंसिल हो गया, 3/8 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e^(x/y) dx + e^(x/y) 1 - x/y dy क्या आएगा। देखिए यहाँ से मैं dx/dy निकाल लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरा क्या आ गया e^(-x/y) 1 - x/y upon के अंदर मेरा क्या आ गया 1 + e^(x/y)। ठीक है,
डी एक्स बाई डी वाई निकाल लिया, डी एक्स तो यहीं पड़ा ही हुआ था, इसको उधर ले गए तो ई की पावर माइनस के अंदर हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ इसको उधर ले गए और डी वाई को नीचे ले आए, ठीक है, और इसको नीचे इधर ले गए, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को, समझ गए, ऊपर माइनस नहीं आएगा, साथ में माइनस आएगा ना, माइनस टाइम है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे जो है ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वी वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है ना, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, तो यहाँ पे वो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी प्लस वाई टाइम डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी इंटू में वन माइनस वी अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस ई की पावर वी, डायरेक्ट इसमें सारा ये चीज़ पुट कर दी मैंने, एक्स इज इक्वल टू वी वाई सारा सारी जगह पुट कर दिया, तो अब जो है इसको सेपरेट कर दो, इसको इधर ले आओ, वी को इधर ले जाओ, तो यहाँ से मैं वी को हटा के यहाँ से उधर ले जाता हूँ, माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर दो, वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, तो ऊपर आ जाएगा माइनस ई की पावर वी प्लस वी टाइम ई की पावर वी माइनस वी माइनस वी टाइम ई की पावर वी, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, समझ रहे हो, जो कटता है काट दो, ये कट गया, ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या आया, वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वी प्लस वी अपॉन में वन प्लस ई की पावर वी, ठीक है, तो अब इसको मैंने सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो वाई है, ठीक है, उसको भी उधर ले जाएंगे और इस सारे को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वन प्लस ई की पावर वी अपॉन में ई की पावर वी प्लस वी डी वी, बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, डी वाई बाई वाई, ठीक है, डी वाई भी उधर ले गए और वाई उसके नीचे ले आए, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे, देखिए सिंपल सी बात है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ, ई की पावर वी का डेरिवेटिव ई की पावर वी होता है, वी का डेरिवेटिव वन होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग में चला जाएगा, वी प्लस ई की पावर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग वाई, ठीक है, और ये माइनस में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग सी, ये लॉग है, ये भी लॉग है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, लॉग वी प्लस ई की पावर वी इंटू में वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, वाई टाइम वी क्या है मेरा, एक्स बाई वाई प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने शुरू में माना था ये, ठीक है ना, वी इज इक्वल टू क्या है, एक्स बाई वाई है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, वाई को अंदर ले गए तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई टाइम ई की पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए प्लेन पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट इतना इतना कट्स द कोऑर्डिनेट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगता है इसलिए, और ना इसके अंदर हिट एंड ट्रायल लग सकता था, अगर मैं पासिस थ्रू पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी ए पुट करोगे तो वन आएगा जो है ना, सॉरी पासिस थ्रू, ये तो अलग चीज़ है ना, पूछा कुछ अलग हुआ है, ये डायरेक्ट जो है ना शॉर्टकट नहीं लग सकता, इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर छोड़ने वाले जो ज़्यादा लेंथी होते हैं, ठीक है, बट अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हो ना, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर है 145, ठीक है, ये है सेट सी, सेट सी पे मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है, ये चीज़ है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री आयोटा थ्री माइनस फोर आयोटा का रैशनलाइज कर देता हूँ, थ्री प्लस फोर आयोटा थ्री प्लस फोर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 21 आयोटा, नीचे आ जाएगा 15 25, ठीक है ना, तो ये कंपेयर जब मैं कर रहा हूँ, इसमें रियल पार्ट मेरा एक्स है, इधर तो कुछ भी नहीं है, जीरो आ गया, वाई इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आ गया जीरो और वाई इज इक्वल टू 21/25, हमें क्या पूछा एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई क्या हो गया जीरो अपॉन समथिंग, कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा जीरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, बताइए इसमें क्या करना था। क्वेश्चन नंबर है 146, लेट ए जीरो बी माइनस ए जीरो बी ए टू फिक्स पॉइंट द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी विच मूव्स इन ए सच ए वे, हिंदी के अंदर देखना चाहते हो देख सकते हो यहाँ से,
सच ए वे दैट पी ए स्केयर माइनस पी बी स्केयर फोर ए स्केयर। यहाँ सिंपल सी बात है, ए और बी दिए गए हैं, पी कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पी कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ एक्स और वाई, और मुझे ए दिया गया ए जीरो, बी मुझे दिया गया माइनस ए जीरो, तो यहाँ से पी ए निकालूंगा जब मैं पी ए स्केयर, ठीक है ना, स्केयर निकालना है ना मुझे, पी ए स्केयर निकालूंगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ए माइनस एक्स का स्केयर प्लस जीरो माइनस वाई का स्केयर, तो वाई का स्केयर ही हो गया, पी बी जब निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से माइनस ए माइनस एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इसमें पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट जो है ना इसको ओपन ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्केयर माइनस टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फोर ए स्केयर। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक्स है यहाँ पे टू ए एक्स आएगा ना, माइनस टू ए एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस टू ए एक्स आएगा, यहाँ भी माइनस टू ए एक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वाई स्केयर है, यहाँ जो है ना यहाँ पे प्लस का ही वाई स्केयर है, यहाँ भी माइनस का कैसे लगा दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस का फोर ए एक्स इज इक्वल टू फोर ए आ जाएगा, ठीक है। तो फोर ए से फोर ए कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर देखें, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी लाइन है एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है हमारी कि यहाँ पे फोर ए स्केयर आएगा ना, फोर ए स्केयर है, फोर ए स्केयर है, तो फोर से फोर कैंसल, ए से ए कैंसल, तो यहाँ पे मेरा जो है क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। तब भी कोई बात नहीं, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है, तो यहाँ से ये जो लाइन है वो मेरी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तब भी बात तो एक ही है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 147, मीन्स एंड वेज ऑफ, ये देखिए ये क्या है, असल के अंदर ना एक पैडागोजी का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण को रोचक बनाने के उपाय नहीं हो सकते, तो गणित को गणित के व्यावसायिक मूल्य से परिचित कराना, ठीक है ना, तो कमर्शियल में यूज होता है गणित, मैथमेटिक्स उसको वो तो होता ही है, मतलब एक शिक्षण को रोचक बनाना है तो उसको तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा, प्रयोगात्मक भी करना पड़ेगा, सांस्कृतिक मूल्य से भी, बट गणना करना सिखाना सिर्फ एक रोचक बनाना नहीं है, ठीक है। अगर गणना करना सिखा रहे हैं तो उससे कोई गणित रोचक नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 148, क्या है, इफ ए प्लस आयोटा बी सारी की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, देन फोर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर क्या आएगा, ठीक है। इसका पहले मैं क्या करता हूँ, क्यूब कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब, यहाँ पे 1/3 है तो कट जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ से मेरा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 टाइम ए प्लस बी का क्यूब, तो आपको करना आता ही होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स वाई आयोटा, ठीक है। इस सारे को खोल देंगे तो ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। कंपेयर कर लो बोथ साइड, एक्स ए की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना, रियल पार्ट कंपेयर कर लो, ए को रियल पार्ट्स और बी आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट से, b इज इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ए और b आ गया। मैं बोलूँगा ऑप्शन पे जाओ, फर्स्ट ऑप्शन में a अपॉन x है, a अपॉन x करोगे तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, और b अपॉन y है तो यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा a अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा x स्क्वायर 3, तो यहाँ से 4 टाइम एक्स स्केयर आया और 4 टाइम वाई स्केयर आया, यही मुझे फाइंड आउट करना था, 4 टाइम एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वही चीज़ आ गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू प्लस थ्री डी स्केयर प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर है। देखिए ये मैंने आपको एक लेक्चर यूट्यूब के ऊपर भी डाला था सी एफ प्लस पी आई करके, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि एक डेढ़ घंटे का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने 53 मिनट पे और 57 मिनट पे, आप जाकर देख लीजिए वीडियो में, इस टाइप का ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है। मैंने आपको बताया हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पेपर में भी आए हुए हैं, देखिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक ही टॉपिक मैंने कराया था ओडी का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही देखिए डायरेक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो उसमें देखिए एक टीचर की गलती नहीं हो सकती, ठीक है, वो आपकी खुद की ही गलती है। और मैं इसमें बता दूं पीएचडी लेवल में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, ठीक है ना, तो एक एक नंबर से। और ये भी अगला क्वेश्चन भी मैंने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला करवाया हुआ है, ठीक है ना, तो मतलब बताया हुआ है कि कैसे कौन सा रूल लगता है और क्या कुछ है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो चलिए दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं, इसको डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो डायरेक्ट क्या होता है, जो भी दिया होता है मुझे डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो दिया होता है, ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं, एक डी इसके अंदर से, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया वन बाय डी, तो नीचे मेरा क्या बच जाता है डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा डी प्लस वन और डी प्लस टू, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ऊपर जाके इसके जो है ना इनवर्स बन गया, ऐसे मैंने सिखाया हुआ आपको। अब जो है मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब दो टाइम डेरिवेटिव ही लेना है, मतलब इसको जो खोलना है तो टू टाइम तक खोलना है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्यूब होता तो तीन टाइम तक जाते हैं ना, क्योंकि थर्ड टाइम डेरिवेटिव जीरो बना देगा, बट एक टाइम डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, बाद में हमने इंटीग्रेशन भी करना है, समझ रहे हो। तो और फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे डायरेक्ट, इसमें ना वन प्लस में रखा करो कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था कि वन प्लस एक्स, ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू सो वन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय टू डी, टू मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, टू का इन्वर्स बाहर निकलेगा तो नीचे आएगा, समझ रहे हो, तो डी प्लस वन का इन्वर्स और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस डी बाय टू का इन्वर्स इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डी प्लस वन इस टाइप से खोल दो, ऐसे ही ये वाला खोल दो, तो मेरा क्या आ जाएगा वन बाय टू डी। समझाने में टाइम लग रहा है फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पेपर में बैठे हो तो बहुत जल्दी इसको करोगे, ठीक है ना, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, दो टर्म तक ही जाओ, आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वन माइनस डी बाय टू प्लस डी स्क्वायर बाय फोर इंटू में क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही खोल दिया, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वन माइनस एक्स मतलब डी प्लस एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, ऐसे ही ये वाली चीज़ें आपस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, वन से वन होगी, वन से डी बाई टू होगी और वन से डी स्क्वायर वाली होगी, डी से ये वाली होगी और डी से ये वाला होगा, डी से डी क्यूब नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर है वो जीरो हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, डी स्क्वायर से सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कराना है, समझ रहे हो ना बात को। तो वन बाय टू डी अंदर क्या आ जाएगा वन माइनस डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस डी प्लस डी स्क्वायर बाय टू प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया वन बाय टू डी और यहाँ पे आ गया वन प्लस सेवन डी स्क्वायर बाय फोर माइनस थ्री डी बाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वन बाय टू डी और इसको अंदर ले आओ, एक्स स्क्वायर को अंदर ले आओ, एक्स स्क्वायर को इधर से ले आओ, एक्स स्क्वायर को अंदर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अंदर लाओगे तो डी स्क्वायर मतलब दो टाइम डेरिवेटिव टू एक्स और टू टू ही आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा सेवन बाय टू रह जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। माइनस में इसको अंदर लेकर आओगे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होएगा तो टू एक्स आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा सिक्स ही हो जाएगा ना, टू से सॉरी थ्री थ्री एक्स ही हो जाएगा। अब जो है नीचे डी पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है, सभी के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा वन बाय टू इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सेवन बाय फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू तो है ही, इंटू में टू और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया
एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस सॉरी प्लस सेवन बाई फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर मैं आंसर देखूं ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक गड़बड़ है, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है, वो वन बाई टू उन्होंने बार कॉमन ले लिया इसीलिए, बस बात सेम ही है। ठीक है ना, आप भी कॉमन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक गलती हो गई थी मेरे से, वो क्वेश्चन अभी मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द सीरीज, देखिए सीरीज दी हुई है ये वाली। पहले तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको हम बना लेंगे ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन अपॉन में टू एन टू एन माइनस वन, यही सीरीज है। ठीक है, वन पुट करके देखो टू इंटू वन आ रहा है, टू पुट करके देखो फोर इंटू थ्री आ रहा है, थ्री पुट करके देखो फाइव इंटू सिक्स आ रहा है, ऊपर जो है एक्स की पावर वन टू थ्री जा रहा है। ठीक है, अब मैंने डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट आपको बताया था। ठीक है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे भी डाली हुई है, एप्लीकेशन में आपको कोर्स के अंदर भी करवाया हुआ है। डी अलम्बर्ट हो गया, राबीज हो गया, रेशो टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के सारे टेस्ट कराए थे, उसी से देखो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डी अलम्बर्ट टेस्ट में क्या था, हम ए एन प्लस वन बाई ए एन जो है एल इज इक्वल टू मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी निकाला करते थे, और एल जो है हम डिपेंड करता था कि एल अगर लेस देन वन है तो सी जी टी मतलब कन्वर्जेंट होता था, एल ग्रेटर देन वन है तो डी जी टी मतलब डाइवर्जेंट होता था। ठीक है ना, ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पे इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में टू एन प्लस वन टू एन प्लस टू अपॉन में क्या आ गया, एक्स की पावर एन टू एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टू एन एक्स अपॉन में टू एन प्लस टू, आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, 2n फिर से कॉमन लिया तो x अपॉन वन प्लस वन बाई एन आ गया। अब लिमिट क्या पुट कर रहे हैं हम, n टेंस टू इन्फिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया तो x का मोड ही आ गया, l इज इक्वल टू क्या आ गया, x का मोडलस। इसका मतलब x का मोडलस लेस देन वन होगा तो वो क्या होगा, सी जी टी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन से वन के बीच में वो सी जी टी है मतलब कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, x की वैल्यू वन से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमारा गलत हो गया था। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला था जो क्वेश्चन नंबर 105, जिसमें एफ आर सी आर आर ये सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो इसके अंदर जो है हमने लगाया था बाइजेक्टिव, बट इसके अंदर वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आएगा सेकेंड इंजेक्टिव। ठीक है, सिर्फ ये वन वन बन रहा, ठीक है, ऑन टू नहीं बन रहा। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा जो है ना ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके असम्प्टोट दो बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी असम्प्टोट वाला हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को भी अभी कन्फर्म नहीं है। ऑप्शन में जो आंसर किया उसके अंदर है ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, इसके चार असम्प्टोट बनेंगे। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। नवंबर 2020 का जो एग्ज़ाम 2 जनवरी 2021 में हुआ था उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस रखा और सारी वीडियोस देखी और सारा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। और बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन डी ट्रिपल एस बी के नाम से। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। दूसरा जो है ना उसके अंदर टेस्ट सीरीज, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो टेस्ट सीरीज डेली लगाएं, तभी जो है ना आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर कोई भी एग्जाम हो टीएसटी पीएसटी मैथ का, आपका क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस डेली करें, जो मैं पीडीएफ फाइल आपको देता हूँ वो जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मान के चलिए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि एक तो प्रैक्टिस रोज कीजिए क्वेश्चनों की, टेस्ट सीरीज डेली लगाइए। ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा मत फोकस करिए। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़ ली उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे ही जो है ना आपका माइंड डेवलप होता है कि क्वेश्चनों को निकालना कैसे है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना, और पेपर अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लेना मिशन डीएसएसबी के नाम से, और जो है ना वहाँ से आपको ये पेपर भी मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।